नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर्व, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें जब भी हम सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस पर हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर भविष्य फल देते हैं और बात करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का 2022 में जो वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2022 में जो 7:15 बजे शाम को परिवर्तन होने जा रहा था, जो 16 दिसंबर 2022 प्रातः 9:59 तक रहेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन 30 दिनों में जब सूर्य वृश्चिक राशि में चलेंगे, कुछ अन्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। बुध जो हैं 16 नवंबर से 3 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे तथा 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक धनु राशि में भ्रमण करते रहेंगे। शुक्र जो है 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक धनु राशि में भ्रमण करेंगे। मंगल वृषभ में ही पूरे 30 दिन भ्रमण करेंगे, राहु मेष में, केतु तुला में, शनि मीन में तथा शनि मकर में तथा गुरु मीन में भ्रमण करेंगे। अब मैं कुंभ लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है इन ग्रहों का, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना ही जन्म से जुड़ी पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन पे इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि ऊपर बीच के खाने में कुंभ अथवा एक्वेरियस या 11 नंबर लिखा तो समझिए आपकी बात हो रही है, या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? गु गे गो सा सी सु से सो तथा दा। कुंभ लग्न में देखिए सूर्य दशम भाव में जाएंगे तो उत्तम स्थिति बनी रहेगी इनकी, और उत्तम स्थिति बनी रहेगी। शनि जो है कुंभ, ये जो उत्तम स्थिति बनी रहेगी। शुक्र जो है एकादश भाव में जाएंगे, दशम में रहेंगे तथा शुक्र जो है दशम से एकादश में चले जाएंगे 5 दिसंबर को। बुध जो है दशम से एकादश में चले जाएंगे 3 दिसंबर को। लाभ स्थान में दोनों जाएंगे, अत्यधिक शुभ रहेगा। केवल शनि द्वादश में रहेंगे और मीन में द्वितीय भाव में जो गुरु हैं उनको शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। परंतु सूर्य बुध और शुक्र के जो राशि परिवर्तन है अत्यधिक शुभ रहेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य साधारणतः शुभ रहेगा, केवल गला, पेट, ज्वाइंट्स तथा 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु होने पर थोड़ा मधुमेह का, फेफड़ों का, कानों का यानी ENT का और स्किन इत्यादि पर सावधानी रखनी होगी। 50 वर्ष से ज़्यादा आयु होने पर कोलेस्ट्रॉल, पैरों में स्वेलिंग, वजन बढ़ने तथा के भी सावधानी आवश्यक होगी। खान पीन पर नियंत्रण आवश्यक होगा, नहीं तो वजन बढ़ेगा। नौकरी तथा व्यापार, नौकरी ज़्यादा शुभ रहेगी, विदेश, देश विदेश दोनों में। विदेश में परिवर्तन तथा तरक्की संभव होगी। शुक्र मंगल और शनि तथा बुध के क्षेत्रों में शुभ रहेगी। शनि का क्षेत्र है लोहा, हार्डवेयर, सीमेंट इत्यादि का क्षेत्र है, और कोयले का है, चमड़े का है, मंगल का है, तांबा है, और फौज का, पुलिस का, चिकित्सा का, एग्रीकल्चर का, भूमि का, लाल फलों का, तांबे का, होटल व्यवसाय का, हॉस्पिटल्स का, फार्मा का, केमिकल्स का। शुक्र में पूरा कुंभ लग्न के लिए एजुकेशन का फील्ड भी हो गया, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मीठी वस्तुएं, फैशन डिज़ाइनिंग, सिल्क का, चांदी का, जवाहरात का, टीवी, फ्रिज, सारी ब्रांडेड वस्तुओं का, तथा बुध में जो है अध्यात्म का हो गया, साइकेट्रिक साइड होगी, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स की पढ़ाई होगी, मैथमेटिक्स होगी, लैंग्वेजेस का, इन क्षेत्रों में जो है आपके लिए नौकरी अत्यधिक शुभ रहेगी। व्यापार में ज़्यादा निवेश के योग बनेंगे आप में, व्यापार में अत्यधिक परिश्रम संभव होगा, करना पड़ेगा। गुरु शनि और बुध के व्यापार में साधारण प्रगति होगी, क्योंकि गुरु जो है द्वितीय भाव में है, इसलिए वो जो भी धन का बैंकों से, फाइनेंस इत्यादि से जुड़ा क्षेत्र है, होटल से, व्यवसाय से, पीली वस्तुओं का, सोने से, पीतल से, उनमें साधारण प्रगति होगी। कोई भी साझेदारी जनवरी 2023 तक संभव नहीं होगी,
अशुभ भी नहीं है। धर्म भाग्य तथा शिक्षा कर्म के तुलना में भाग्य निर्बल रहेगा, परंतु विदेश में शिक्षा हेतु भाग्य अत्यधिक शुभ रहेगा। शिक्षा में अधिक मेहनत से शुक्र शनि मंगल और बुध के क्षेत्रों में प्रवेश मिल पाएगा, सफलता मिलेगी। गुरु और बुध के क्षेत्रों में थोड़ी सी बाधा के उपरांत सफलता मिलेगी। धर्म की बात करें तो पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि में मंदिर इत्यादि जाने में थोड़ा सा मन कम लगेगा। योग साधना अध्यात्म हेतु अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। धन तथा आर्थिक आशय से कम धन की आमद रहेगी। व्यापार में खर्चों से थोड़ी सी धन की कमी रह सकती है। सरकार से जुड़े खर्चे, उधार की देनदारी, आवश्यक निवेश और एक प्रकार से कर्जों इत्यादि की समस्या से जो है निवेश या स्पेंडिंग होना, इनसे धन का तनाव रह सकता है। नौकरी में धन की स्थिरता रहेगी, केवल आपको परिवर्तन नहीं करना होगा, थोड़ा खर्चे आमद और लाभ का प्रबंधन सही तरीके से करना होगा तो धन की कमी नहीं रहेगी। नौकरी में विदेश से धन प्राप्त के योग हैं। 3 दिसंबर उपरांत पैतृक लाभ भी आपको हो सकता है। प्रेम दाम्पत्य और रिश्ते मांगलिक प्रभाव के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा व्यय, स्वास्थ्य और भावनाओं के उतार चढ़ाव और सास बहु जैसे कारणों से तनाव दाम्पत्य जीवन में हो सकता है और दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। प्रेम संबंधों में 5 दिसंबर तक धोखा संभव होगा। 5 दिसंबर उपरांत दाम्पत्य संभव में तेज ऊर्जा होगी, शुभ ऊर्जा रहेगी। व्यापारिक संबंधों में 5 दिसंबर उपरांत शुभता रहेगी। माता पिता से संबंध जो है 25 के उपरांत शुभ रहेंगे। 25 तक सावधानी रखनी होगी, 25 दिसंबर तक। उपाय क्या करें? शनि शुक्र मंगल और केतु के मंत्र जाप 25 के उपरांत करें। गुरु बुध राहु और सूर्य के दान करते रहें। योग अत्यधिक आवश्यक है कपालभाति और अनुलोम विलोम शनि की द्वादश स्थिति के कारण। दान क्या होंगे? चने की दाल, घी, साबुत मूंग, मिश्री, नारियल तथा काले तिल और गेहूं तथा देसी घी, इनका दान हर मंगलवार या शनिवार को आप 16 नवंबर से 16 दिसंबर में करते रहेंगे, लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।